हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे टॉप 5G स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 20,000। एक्चुअली दोस्तों, 15 से 20,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं, बट कौन सा स्मार्टफोन आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए टॉप 5 जबरदस्त स्मार्टफोन्स पिक किए हैं, जो कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और ये न्यू लेटेस्ट है। तो आप भी इंटरेस्टेड हो 15 से 20,000 के सेगमेंट में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन के लिए, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं, जो कि आता है मेरी लिस्ट में वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5G। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB के साथ आता है। इसमें दिया गया है 6.59 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जो कि सेंटर पंचोल के साथ आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है। इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है, तो कैमरा आपको डिसेंट मिलते हैं। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6nm पर आता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, तो इस प्राइस पर आप गेमिंग भी काफ़ी तगड़ी कर सकते हो। इसमें दोस्तों 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB से आता है। इस फोन की प्राइस है 19,999, 20,000 रुपये में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ये दोस्तों सैमसंग का एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन है इस प्राइस पॉइंट पर। ये 6GB प्लस 128GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT LCD डिस्प्ले, जो कि ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। इसमें डिस्प्ले पर कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट दी गई है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है, तो कैमरा की क्वालिटी बेस्ट मिलती है इस प्राइस पर। दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस मिलता है सैमसंग के खुद का एग्जिनोस 1280, जो कि 5G चिपसेट है, ओनली 5nm पर बेस्ड है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और इस प्राइस पर आपको अच्छी खासी गेमिंग भी कराने वाला है। इसमें दोस्तों 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता, ये अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और सैमसंग की तरफ से नॉक्स सिक्योरिटी भी दी गई है, जिससे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को फुल सिक्योर कर सकते हो। ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 17,999, 18,000 रुपये में डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X4 Pro 5G, या फिर बोल सकते हो Redmi Note 11 Pro Plus। दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा कुछ आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है, बट प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों ये 6GB प्लस 128GB से आता है और इसमें दिया गया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, जो कि पंचोल के साथ आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, मतलब एमुलेट विद 120Hz दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलती है। इसमें दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
इसमें बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी गई है, तो कैमरा की क्वालिटी डिसेंट दी गई है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो कि एक 5G चिपसेट है, 6 nm पर आता है और इस प्राइस पर आपको काफ़ी तगड़ी गेमिंग भी कराता है। इसमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस रखी गई है 18,999, 19,000 रुपये में डेफिनेटली मिल जाएगा। या फिर Redmi Note 11 Pro Plus की तरफ भी देख सकते हो जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस मिलता है जिसके लिए 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme 9 Pro 5G। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB से ही आता है और इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो कि इनसाइड पंचोल के साथ आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो दिया गया है। इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है, तो कैमरा की क्वालिटी आपको डिसेंट ही मिलती है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, अगेन 5G के साथ आता है, 6 nm पर बेस्ड है, इस प्राइस पर बेस्ट गेमिंग कराता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और सिंगल स्पीकर मिलता है। ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 17,999, 18,000 रुपये में आपको ये मिलता है। और दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Infinix की तरफ से, Infinix Zero 5G। और ये दोस्तों इस प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। ये 8GB प्लस 128GB सिंगल वेरिएंट के साथ आता है। इसमें दिया गया है 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो कि पंचोल के साथ आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस यूज किया गया है MediaTek Dimensity 900 जो कि डुअल 5G चिपसेट है, ओनली 6 nm आर्किटेक्चर पर आता है। और अच्छी बात है कि इसमें 13 5G बैंड्स का सपोर्ट भी दिया गया है, तो नो डाउट इस प्राइस पर आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका वन ऑफ द बेस्ट होगा। और इसमें दोस्तों LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और सिंगल स्पीकर मिलता है। ये स्मार्टफोन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस रखी गई है 19,999, 20,000 रुपये में डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। तो गाइस ये थे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।